जो कभी अपने पिता के पंचर दुकान में पंचर साटने में मदद करता था, उसी पंचर वाले के बेटे के कामयाबी पर आज पूरा बिहार वाह वाह कर रहा है। उसी पंचर वाले के बेटे ने गाड़ दिया कामयाबी का झंडा, बन गया बिहार में एक बड़ा अधिकारी। टायर का पंचर साटते उस शख्स को देखिए, इस शख्स की कामयाबी इतनी बड़ी है कि आज पूरे बिहार को उस पंचर वाले पर गर्व है। एक पिता के संघर्ष और एक बेटे की प्रतिभा ने इस पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। एक कहावत है ना, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को एक गरीब परिवार के बेटे ने सफलता में तब्दील कर इसे सही साबित कर दिखाया है। बिहार के जमुई जिले के इसी पंचर साटने वाले के लाल ने बीपीएससी की परीक्षा में पास होकर ना सिर्फ पूरे जिले का मान बढ़ाया है, बल्कि ये भी बता दिया है कि प्रतिभा और हौसले के सामने परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वो हार जाती है और प्रतिभा जीत जाती है। इसलिए तो कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। जमुई जिले के सिकंदरा बाजार में पंचर टायर की दुकान चलाने वाले के बेटे मोहम्मद हदीद ने बीपीएससी की परीक्षा में 80वां रैंक प्राप्त कर अपने सफलता का परचम लहराया है। बीपीएससी 66वीं की परीक्षा में 80वां रैंक हासिल करने वाले मोहम्मद हदीद के पिता मोहम्मद समीम जमुई जिले के सिकंदरा बाजार स्थित पेट्रोल पंप के पास वर्षों से गाड़ियों का पंचर टायर बनाने का काम करते हैं। एक गरीब परिवार के बेटे की इस सफलता पर पूरा परिवार सहित उनके परिजन और इलाके के लोग खुश हैं। गरीबी और मुफलिसी के साये में पंचर टायर बनाकर अपने बेटे को पढ़ाने वाले पिता आज अपने बेटे की कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे। मुस्लिम समाज में भी जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड में पहली बार मोहम्मद हदीद के प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर चयनित होने से समाज में बेहद खुशी देखी जा रही है। हदीद की सफलता पर उनके घर वाले, परिजन और कई बुद्धिजीवी लोग उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा में सफल हुए मोहम्मद हदीद ने बताया कि आज देश की आजादी का 75वां साल होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी वर्ष वो नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। हदीद की इच्छा है कि जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हों, उस समय वो बड़े पद पर कार्यरत रहकर लोगों की सेवा करें। हदीद ने कहा कि जमुई जिले में प्रतिभावान युवाओं की कमी नहीं है, बशर्ते उनकी सफलता के लिए उन्हें सही राह बताई जाए। आजादी के अमृत महोत्सव में मेरा चयन हुआ, ये बहुत ही खुशी की बात है। एक सवाल है हमारा हदीद, हम जो है चाहते हैं कि आजादी का जब भारत 100 साल पूरा करता होगा सर, तो उस समय हम भारत की सेवा में सर एक बड़े पद पर आकर भारत की सेवा करें। यहाँ के युवाओं में सर प्रतिभा की कमी नहीं, लेकिन थोड़ा मार्गदर्शन का अभाव है सर। और मैं चाहूँगा कि मैं अगर सिकंदरा में रहूँ सर, तो इस मार्गदर्शन के जो अभाव है उसको खत्म करने का प्रयास करूँगा सर। मोहम्मद हदीद की सफलता पर पंचर टायर बनाने वाले उनके पिता मोहम्मद समीम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनका बेटा बचपन से ही पढ़ाई के प्रति लगनशील था और बचपन से ही सभी कक्षाओं में अव्वल आता था। मुफलिसी में उनके बेटे ने जो शिक्षा ग्रहण किया, आज उसी का प्रतिफल है कि उसे अफसर के रूप में लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है। चाह रहे हैं कि अगर उसका हो ही गया नौकरी तो बहुत अच्छी बात है, और उसका जो आगे सोच है उस सोच के लिए वो तैयारी करें। हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत जो कर रहे हैं उसमें कि लगा पहले से थी और बहुत टैलेंट रखा था। वन क्लास से लेकर के अभी तक जो फर्स्ट हमारा अच्छा ही चल रहा है। आज पहली बार 22 साल की उम्र में जुटी है। वाकई हदीद की ये सफलता काफी बड़ी है, क्योंकि हदीद ने जिन परिस्थितियों में ये मुकाम हासिल की है वो बेहद संघर्षपूर्ण था, लेकिन हदीद ने हार नहीं मानी और लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हदीद ने अपनी सफलता का परचम लहरा दिया। न्यूज़ लाइव डेस्क पटना।